हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जितेंद्र मोबाइल स्टोर OMS। आज मैं आपके लिए ओप्पो का F17 का डिस्प्ले कैसे रिमूव होता है, किस तरीके से नया डिस्प्ले फिटिंग होता है, ओरिजिनल डिस्प्ले SK रॉयल कंपनी का है जो आपको किस तरीके से फिटिंग होता है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और सीखिए समझिए ओप्पो F17 डिस्प्ले रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। सो दोस्तों, आई होप आप सब फाइन हो गए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए जिससे मोबाइल रिलेटेड सभी वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये है ओप्पो F17 जिसका डिस्प्ले इनसाइड ब्रोकन है, कलर आ गया है डिस्प्ले के अंदर। आप देख सकते हो डिस्प्ले पूरा कलरफुल हो गया ब्रोकन होने की वजह से, हमें ब्रोकन डिस्प्ले रिप्लेस करना है। सो आइए चलते कैसे रिप्लेस करते आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले बैक पैनल रिमूव कीजिए, उसके बाद जो भी स्क्रू से बैक पैनल के ऊपर के सब रिमूव कीजिए। दोस्तों सभी स्क्रू आसानी से रिमूव कर दीजिए, उसके बाद बैक पैनल रिमूव कीजिए। इस तरीके से स्क्रू रिमूव करने के बाद तो नीचे के साइड हमें डिस्प्ले कनेक्टर मिलेगा। डिस्प्ले कनेक्टर नीचे के साइड होता है रिंगर डब्बी के नीचे, तो नीचे के भी स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे हमें, उसके बाद ही डिस्प्ले कनेक्टर निकाल के डिस्प्ले रिमूव करना है। दोस्तों बैटरी कनेक्टर से लेके डिस्प्ले कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर सब रिमूव करना है। फिर ये जो स्ट्रिप है चार्जिंग स्ट्रिप, इसे रिमूव करके ही हमारा SMD मशीन थ्रू डिस्प्ले रिमूव करना है हीट करके। SMD मशीन से 2 से 3-4 मिनट तक चारों साइड से हीट करने के बाद ही डिस्प्ले रिमूव करना है, जिससे ओल्डेज जो सॉल्यूशन गम है वो पिघल जाएगा और डिस्प्ले आसानी से निकल जाएगा, ब्रोकन डिस्प्ले निकल जाएगा। इस तरीके से डिस्प्ले हीट करने के बाद मिडल फ्रेम क्रैक ना हो, डैमेज ना हो, इसका ध्यान रख के ही मिडल फ्रेम के साथ जो ओल्डेज ब्रोकन डिस्प्ले वो रिमूव करना है हमें। इस तरीके से चारों साइड से हीट करके निकल गया है मिडल फ्रेम के बाहर ओल्डेज डिस्प्ले। दोस्तों अब मिडल फ्रेम को चारों साइड से चकाचक क्लीन करना है, जो ओल्डेज गम है उसे पूरा निकालना है, उसके बाद ही न्यू सॉल्यूशन गम से हमें डिस्प्ले चिपकाना है। तो सबसे पहले अच्छे से क्लीन करते रहिए, थिनर से क्लीन कीजिए जिससे न्यू डिस्प्ले फिटिंग अच्छे से हो जाए। दोस्तों ये है हमारा ओरिजिनल SK रॉयल का डिस्प्ले कॉम्बो, ओरिजिनल क्लैरिटी, मजबूत एकदम ओरिजिनल डिस्प्ले है। आप फिटिंग करने के बाद पहले उसे चेक कर लीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए, बैटरी की हो, 1, 2, 3, 4 की पैड हो, फिर कैमरा क्लैरिटी है, डिस्प्ले क्लैरिटी, ब्राइटनेस, सब कुछ चेक करने के बाद ही हमें फिट करना है सॉल्यूशन गम से।
अब दोस्तों हमें चारों साइड से डिस्प्ले सॉल्यूशन गम से अच्छे से ब्लैक गम है जिसे इस तरीके से चारों साइड से लगा के डिस्प्ले फिटिंग करना है हमें, और आसानी से फिट हो जाता है डिस्प्ले। सिर्फ थोड़ा ध्यान रख के काम करना है जिससे हमारा डिस्प्ले फिट हो जाए। डिस्प्ले फिटिंग होने के बाद रिंगर डबी हो, ऊपर का बैक पैनल हो, सब कुछ अच्छे से सभी स्क्रू प्रॉपरली फिट कर लीजिए। उसके बाद एक बार और चेक कर लीजिए कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, वॉइस चेक कर लीजिए, स्पीकर चेक कर लीजिए, माइक सिम डाल के माइक भी चेक कर लीजिए, कैमरा क्लैरिटी चेक कर लीजिए। उसके बाद ही लास्ट में बैक पैनल फिट करना है हमें, तो सब कुछ चेक करने के बाद ही फ्रेंड्स हमें बैक पैनल फिट करना है। बैक पैनल फिटिंग करने के बाद अच्छे से रबर से चारों साइड से रबर बेल्ट लगा दीजिए और 2 घंटे के लिए साइड पे रख दीजिए फोन चेक करके। उसके बाद इस तरीके से हमारा F17 का डिस्प्ले ओरिजिनल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मोबाइल रिलेटेड सभी वीडियो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद।